आज मैं आपको ऐसी आइसक्रीम बताऊंगी जो कि सबके घर में अवेलेबल रहता है। जैसे इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो मार्केट में ज्यादा चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, मतलब बहुत कम इंग्रेडिएंट से आइसक्रीम बना सकते हैं और बहुत ही हेल्दी भी है वो आइसक्रीम। कुछ उसमें ऐसे पाउडर वगैरह नहीं पड़ेंगे जो कि आइसक्रीम के लिए यूज किए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मैंगो आइसक्रीम। आपको लगेगा पका आम और दूध और शक्कर, बस इसी से ही आप बहुत ही टेस्टी मैंगो आइसक्रीम बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं बताती हूँ, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से मैंगो आइसक्रीम घर पर बनाएं बिल्कुल मार्केट जैसा। मैंने गैस में फुल क्रीम 1 लीटर दूध चढ़ा दिया है और इसको पकाते जाएंगे। ये जो मलाई साइड में आ रही है इसको निकाल निकाल करके इसी में डालते जाएंगे, दूध में ही, क्योंकि हमारी आइसक्रीम इससे बहुत ही अच्छी बनेगी। तो हम इसको कम से कम आधा, 1 लीटर दूध है तो इसको आधा लीटर दूध कर लेंगे पका पका करके। एक कटोरी शक्कर ऐड करूंगी क्योंकि इसमें मैंगो ऐड करना है, इसलिए शक्कर थोड़ा ज्यादा लगेगी। अब इसको जब तक शक्कर नहीं घुल जाती है जब तक दूध को इसे चलाते रहेंगे। गैस को तेज कर लिया है और इसको अब दूध को कंटिन्यू चलाते रहेंगे। हमारी शक्कर घुल गई है तो गैस को फिर से धीमा करके इसको पकने देते हैं। इसका कलर भी चेंज हो गया है। 1 लीटर दूध लिया था, 1 लीटर से ये आधा लीटर दूध हो गया है। अब ये ठंडा हुआ तो और गाढ़ा हो जाएगा। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर आगे की प्रोसेस मैं बताती हूँ। जो हमने दूध गाढ़ा किया था वो ठंडा हो गया है, इतना थिक हो गया है। अब इसको मिक्सी में डाल करके चला लेंगे। इसमें हमको हैंड मिक्सर की भी जरूरत नहीं है। आइसक्रीम को स्मूथ बनाने के लिए हमको मिक्सी में चलाना पड़ेगा इस दूध को, तो मैंने ये वाला मिक्सर ग्राइंडर लिया। इसमें एक ये गोल चक्री आती है, इसे दही वगैरह अपन फेंटते हैं, लस्सी बनाने के लिए यूज करते हैं। ये फिट गया है दूध, कितना क्रीम क्रीम टाइप का बन गया है। एक आम लेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे, कि जो अंदर का पल्प है इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसके छोटे छोटे से ऐसे टुकड़े निकाल लेंगे। ये एक आम पूरा कर लिया है, सबसे छोटे वाले जार में इसमें इसको चला लूंगी मिक्सी में। इसको थोड़ा चलाकर देख लें, बिल्कुल महीन पीस जाना चाहिए, अभी थोड़े थोड़े पल्प हैं, इनको और चला लेंगे। बहुत अच्छे से पिस गया है। जिस पॉट में दूध चलाया था उसी में हम ये आम वाला पल्प इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे पूरा, इसको फिर चला देते हैं। मैं एक ऐसा स्टील का डिब्बा ले रही हूँ, सबके घर में अवेलेबल होता है। इसको मैं ये आइसक्रीम सब इसमें पलट दूंगी। इसको ऊपर से बराबर कर लेंगे, ऊपर से सिल्वर पेपर लगा देंगे जिससे बर्फ नहीं जमे। ढक्कन बंद कर देंगे। इसको 8-10 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे, या पूरी रात भी फ्रीजर में आप इसको रख सकते हैं। मैंगो आइसक्रीम जम गई है, अब निकाल के देखते हैं। बहुत अच्छी आइसक्रीम जमी है, मैंगो आइसक्रीम हमारी हो गई है रेडी।